हेलो एवरीवन, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 के सिद्धांत, जो कि चल रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तथा उसके यानी कि 2010 NCERTई के प्रलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 के प्रस्तुतिकरण से पूर्व कुछ सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है, अर्थात कुछ सिद्धांतों को आधार प्रदान किया गया है या फिर इस पाठ्यक्रम की रचना को प्रमुख आधार पर की गई है। इस पाठ्यक्रम के आधार मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। तो आइए सिद्धांतों के विषय में बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है संतुलित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम में संतुलित विकास की अवधारणा को उचित स्थान प्रदान किया गया है। विकास के प्रत्येक पक्ष को उसकी आवश्यकता तथा महत्व के आधार पर स्थान प्रदान किया गया है, जैसे कि नैतिक एवं मानवीय मूल्यों को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देना, आशीर्वाद को सृजनवाद की तुलना में कम स्थान प्रदान करना एवं उपयोगिता को अधिक महत्व प्रदान करना आदि। इससे समाज का विकास पूर्णतः संतुलित रूप में होगा तथा इस प्रकार का समाज एक आदर्श समाज के रूप में दिखाई देगा। सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 का निर्माण करने से पूर्व समिति के सभी सदस्यों ने उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर जो है विचार किया। इसके उपरांत उपलब्ध संसाधनों में समन्वय करते हुए उसके सर्वाधिक उपयोगी या फिर सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था को निश्चित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 की रचना की गई। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 2006 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 का निर्माण किया जा रहा था, तो उससे पूर्व समिति के सभी सदस्यों ने उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों पर विचार किया। इसके उपरांत उपलब्ध संसाधनों में समन्वय करते हुए उसकी सर्वाधिक उपयोग की व्यवस्था को निश्चित करते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 की रचना की गई। इस प्रकार साधनों का उचित प्रयोग एवं साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इस पाठ्यक्रम में समायोजन के सिद्धांत का अनुसरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 में शिक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रत्येक घटक यानी तत्व की रुचि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी रूप में नहीं चल सकती। मान लीजिए एक बालक पढ़ रहा है, लगातार पढ़े जा रहा है, यानी कि उसको पढ़ाया जा रहा है और उसकी रुचि उस विषय में है ही नहीं, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाठ्यक्रम निर्माण के समय शिक्षक की रुचि, छात्रों की रुचि तथा अभिभावकों की रुचि का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और 2006 के पाठ्यक्रम निर्माण में विशेष रूप से ध्यान रखा गया है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता एवं सफलता का मूल्यांकन उसकी अवस्था में होता है, जब उसका अनुकूल प्रभाव शिक्षक छात्र एवं समाज पर दिखाई देता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में रुचि के सिद्धांत का अनुसरण करके पाठ्यक्रम को उत्कृष्ट स्वरूप बनाया जा सकता है। अब हम देखेंगे एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 के निर्माण में राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को स्थान प्रदान किया गया है, जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुरक्षित बनी रहे। समाज में निहित विभिन्न संस्कृतियों, धर्म एवं परंपराओं को एक सूत्र में पिरोते हुए धर्म निरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पक्ष को एकता के सिद्धांत के साथ संबद्ध किया गया है। अब हम देखेंगे संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कल्चर।
रिजर्वेशन भारतीय संस्कृति विश्व के लिए आदर्श एवं अनुकरणीय संस्कृति है। इसकी सुरक्षा एवं विकास को प्रत्येक स्तर पर स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व आदर्शवादिता, मानवता, नैतिकता, सामाजिकता एवं समन्वयता आदि को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु में पूर्ण रूप से स्थान प्रदान किया गया है। इससे भारत की संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण होता है। इस प्रकार ये सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में संस्कृति के संरक्षण सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है। अब हम देखेंगे नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में नैतिक मूल्यों को पूर्णतया महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। भारत में नैतिक मूल्यों को आज भी समान यानी कि सम्मान एवं उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाता है। प्रत्येक शिक्षक एवं अभिभावक अपने छात्रों एवं बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करना आवश्यक मानते हैं। अतः पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर से ही कहानी एवं शिक्षा प्रद वाक्यों से छात्रों में नैतिकता का विकास किया जाता है। यह क्रम उच्चतर स्तर या उच्च स्तर तक भी निरंतर बना रहता है। अतः पाठ्यक्रम संरचना 2006 में नैतिकता के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है। सेवेंथ पॉइंट पर हम देख रहे हैं मानवता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमिनिटी। भारतीय नागरिकों के लिए मानवीय मूल्यों का महत्व भारतीय स्तर पर होने के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी है। कोई भी राष्ट्र एवं समाज मानवता के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में संकोच करता है। आज विश्व का सबसे विकसित देश अमेरिका मानवाधिकार एवं मानव मूल्यों के विकास को अनिवार्य मानता है। भारतीय परंपरा में मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है जिसे छात्रों में परोपकार, दया की भावना, सहयोग एवं सहजता की भावना का विकास हो सके। इससे ये सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 की संरचना में मानवीय मूल्यों एवं मानवता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया तथा मानवता के सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। अब हम देखेंगे 8 पॉइंट, आदर्शवादिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोल आइडियलिज्म। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 में आदर्शवादी परंपरा का अनुकरण किया गया है। इस पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से उपयोगिता एवं भौतिक विकास के सिद्धांत का अनुकरण किया गया है, परंतु आदर्शवादिता के महत्व को अस्वीकार नहीं किया गया है। अतः प्राथमिक स्तर से ईश्वर की सत्ता एवं महानता के संबंध में छात्रों को ज्ञान कराया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर इस कविता के माध्यम से कोई भी कविता है, मान लीजिए आदर्शवादिता को प्रदर्शित किया जाना या किया जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण महत्व के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। उपयोगी जिसे कोई भी हो, अगर उपयोगी है तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, अनुपयोगी है तो नहीं लेते हैं। पाठ्यक्रम संरचना 2006 में प्रत्येक विषय वस्तु के जीवन से संबंधित करने का प्रयास किया गया है। उपयोगी विषयों को प्राथमिक स्तर से ही महत्व प्रदान किया गया है, जैसे कि पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान एवं गणित विषयों को प्राथमिक स्तर से ही शिक्षण का मुख्य आधार बनाया गया है। इतिहास एवं भूगोल को इनकी तुलना में कम महत्व प्रदान किया गया है। अतः उपयोगिता को आधार मानकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2006 की संरचना में सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है।
वैसे भी मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज की जो है आवश्यकताओं को पूर्ति करने, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। समाज बालक की यानी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज की आकांक्षा पूर्ति शिक्षा के द्वारा ही होती है, इसीलिए सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक परंपराओं को संज्ञान में लेते हुए पाठ्यक्रम की व्यवस्था की गई है। पाठ्यक्रम में उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों को समावेशित किया गया है जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्माण और विकास करते हैं। जैसे कक्षा 5 के स्तर पर जुर्मन एवं अलगू से संबंधित पाठ, सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य निष्ठा, सत्यवादिता एवं न्यायप्रियता की शिक्षा प्रदान करता है। इससे छात्रों में ये सभी गुण विकसित होंगे और एक स्वस्थ आदर्शवादी समाज की स्थापना होगी, जिससे ये सिद्ध होता है कि इस पाठ्यक्रम में सामाजिकता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट यानी कि निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। इस रिविजन से ये स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम संरचना में 2006 में उन सभी सिद्धांतों का अनुसरण किया गया है जो कि एक आदर्श एवं श्रेष्ठ पाठ्यक्रम की संरचना के लिए आवश्यक एवं अनिवार्य होते हैं। विषय वस्तु एवं सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय स्थापित करते हुए छात्रों को सर्वांगीण विकास के मार्ग का पथ प्रदर्शित किया। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है जो कि छात्र, राष्ट्र, समाज एवं शिक्षक के विकास में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसीलिए फिर से प्रोफेसर एस के दुबे की परिभाषा याद आ जाती है। उन्होंने लिखा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2006 भारतीय परिस्थितियों में छात्रों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाली महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो राष्ट्र, समाज एवं शिक्षा व्यवस्था के विकास को समन्वित रूप प्रदान करते हुए मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास करती है। आज इतना ही, धन्यवाद।